हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटास्टिक एडिशन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीएसए प्राइड कप टी20 2024 की बात करेंगे। मैच होगा यहाँ पर रिवर नाइन क्लब और सिटी क्रिकेट क्लब के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर करते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कप्तान और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देखते हैं और लास्ट में हमारी फैंटास्टिक टीम भी देखते हैं कि कौन से प्लेयर को लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये टूर्नामेंट हम लोग पूरा कवर करेंगे। इसके अलावा यहाँ से आपको और भी कई सारी टूर्नामेंट्स के वीडियोस मिलने वाले हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर केरला T20 को कवर करेंगे, इसके साथ साथ यहाँ पर उत्तराखंड T20 को भी कवर करेंगे। तो और भी कई सारी टूर्नामेंट्स के वीडियो वगैरह मिलेंगे, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही में आप लोग ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो बहुत कुछ मिस करोगे, क्योंकि वीडियो की अपडेट, लाइनअप की अपडेट, बैटिंग ऑर्डर, इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्लेयर आखिर में ऐड होते हैं उनके रिकॉर्ड, उनके स्टेट्स, और सबसे लास्ट में आपको हमारी स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की जो टीम रहेगी वो आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोग हमारी व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि इनकेस अगर टेलीग्राम में कुछ प्रॉब्लम आता है तो सारा अपडेट वगैरह आपको व्हाट्सअप चैनल के ऊपर रहेगा। तो ये हमारी बैकअप चैनल रहेगी, तो व्हाट्सअप चैनल से आप लोग जुड़ जाएगा। अभी के लिए बात करते हैं इस मैच की, जो कि खेला जाएगा यहाँ पर सुबह में 8:45 पर नेहरू स्टेडियम गुवाहाटी असम। अभी पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो काफ़ी स्लो पिच है, लेकिन कुछ मैचेस के अंदर यहाँ पर अच्छे स्कोर जरूर बने, जैसे कि पिछले एक दो मैचेस की बात की जाए तो वहाँ पर अपन अच्छे स्कोर देखने को मिले। तो उस लेवल के स्कोर में मतलब ज़्यादातर यहाँ पर 120 से 130 का एक्सपेक्टेशन रहा है, हालांकि कल यहाँ पर 160 के आसपास यहाँ पर रन्स बने थे। इसके अलावा यहाँ पर और यहाँ से ये जो टूर्नामेंट है ना पूरी अनप्रेडिक्टेबल है, जान में रखिएगा, कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि इसमें हर मैच के दौरान बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे होता है और हर मैच के दौरान यहाँ पर बॉलिंग में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो मैच ये टोटली यहाँ पर टूर्नामेंट पूरी अनप्रेडिक्टेबल है, तो आप लोग अगर खेलते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि मिनी ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग ही खेलिएगा। चेजिंग में यहाँ पर आंकड़े लगभग इक्वली है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर टीम टॉस जीतकर पहले चेज करना पसंद करती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टीम आरआरसी की, 9 मैच खेली है जहाँ से 7 मैच में जीती है, 2 मैच हारी है। हाँ बात बने जाइए ओके। ओपनिंग की बात की जाए तो ओपनिंग में यहाँ पर वसीकुर रहमान दिखेंगे आपको देवोजित बरुआ के साथ। अभी देखो वसीकुर की बात की जाए तो ये टोटली मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इनके बारे में कुछ कहना मुश्किल रहेगा, क्योंकि इनका जब दिन रहता है तब यहाँ पर इस लेवल के परफॉर्मेंस आएंगे। और इससे पहले मैंने आपको एक दो वीडियो के पहले बताया था आपको कि ये प्लेयर ऐसा है, पर वसीकुर रहमान ऐसे प्लेयर है कि ये हर टूर्नामेंट के दौरान एक बड़ी पारी खेलते हैं। वो लास्ट इनकी जो बड़ी पारी है इस टूर्नामेंट की वो 77 रन की पारी आ चुकी है, इसके अलावा और कोई नहीं गया। इनका हर टूर्नामेंट के दौरान ऐसा ही रहता है, एक बड़ी पारी खेलते हैं और ज़्यादातर मैचेस के अंदर फेल रहते हैं। देवोजित बरुआ इंपॉर्टेंस रहेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करवा रहे हैं और ये भी यहाँ पर टॉप में बैटिंग करवा रहे हैं, इसके साथ यहाँ पर बॉलिंग भी यहाँ पर कंसिस्टेंट करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सेफ रहेंगे। बाकी बात करें हम लोग यहाँ पर अभिलाष गोगोई की, जिनको मैंने हर मैच के दौरान कप्तान वाइस कैप्टन मेंशन किया हुआ है, इवन 2 मैच के दौरान हमारी टीम के कप्तान भी थे और आगे भी हम लोग इनको कप्तान वाइस कैप्टन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर अभिलाष गोगोई एक वेरी इंपॉर्टेंट पिक है और इनको हम लोग एज अ प्लेयर के साथ कप्तान वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। इसके साथ ऐसे बात करते हैं अभिजीत सिंह का रॉय। अभी देखो अभिजीत सिंह का रॉय की बात की जाए तो ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि लास्ट मैच के अंदर वो खेले जहाँ पर 6 रन किए, ओवर्स नहीं करवाई, इसके पहले 2-3 मैच के अंदर ओवर्स करवाई थी, पहली मैच के दौरान ओवर्स नहीं करवाई थी, तो इनका कोई कंफर्म नहीं है कि ओवर्स करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। हालांकि एक चीज़ है, अगर जब ओवर्स करवाते हैं तब यहाँ पर इफेक्टेबल जरूर रहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, चाहो तो यहाँ पर इसके ऊपर मतलब कि इस प्लेयर के ऊपर आप लोग रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे बात करते हैं पल्ला करुणाकर भी यहाँ पर ओवर्स करवा रहे हैं। पिछली 2 मैच की बात की जाए तो ओवर्स तो इन्होंने पूरी करवाई है, विकेट की बात की जाए तो विकेट इनको सेकंड लास्ट मैच के अंदर मिली थी, हालांकि लास्ट मैच के दौरान इन्होंने 21 रन की पारी जरूर खेली थी, भले बॉलिंग से कुछ खास नहीं किया था लेकिन इन्होंने बैटिंग से यहाँ पर 21 रन की पारी खेली थी, साथ में 3 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई थी। हालांकि इनका लक नसीब अच्छा नहीं था और ये मतलब विकेट ले रहे थे। इसके साथ यहाँ पर नौशाद अली, जो कि वैसे तो टॉप ऑर्डर के प्लेयर है और खेलने चाहिए यहाँ पर टॉप में,
लास्ट मैच की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने 6 रन ही किए थे। अभी देखो इनसे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, लेकिन इससे पहले वाली टूर्नामेंट की बात की जाए तो वहाँ पर इन्होंने कुछ बड़े एडवांटेज दिए थे, जैसे कि यहाँ पर कुछ मैचेस के अंदर इन्होंने विकेट निकाला था। कुछ मैचेस की बात की जाए तो यहाँ पर नौशाद अली ने बैटिंग से भी अच्छा एडवांटेज दिया था। इसके साथ यहाँ से बात करते हैं आकाश छेत्री की, क्योंकि आकाश छेत्री की बात की जाए तो यहाँ पर इनकी मिडल्स में यहाँ पर शुरुआत अच्छी रही थी। इन्होंने शुरुआत के कुछ मैचेस के अंदर देखो आप लोग यहाँ पर इन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से एडवांटेज दिया था। इसके बावजूद यहाँ पर बीच में कुछ मैचेस के अंदर इन्होंने ओवर्स नहीं करवाए, लास्ट मैच के दौरान एक बार फिर से ओवर्स करवाई जहाँ पर इनको विकेट मिला। तो मतलब साफ है, अगर ओवर्स करवाएंगे तो आपको एडवांटेज देंगे, अगर ओवर्स नहीं करवाएंगे तो इनसे एक्सेप्टेशन नहीं है। रोशन बसपोर इनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि ये कभी ऊपर से खेलते हैं, कभी नीचे खेलते हैं, कभी वो अमन छेत्री इंपॉर्टेंस रहेंगे। अमित सिन्हा, इनको मैंने कपड़ा नए वाइस कैप्टन मेंशन किया हुआ है। इसके साथ राजमोहन शर्मा ने एक विकेट निकाला, लेकिन ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। स्टार्टिंग में यहाँ पर राजमोहन शर्मा के साथ यहाँ पर देवजीत बरुआ, डेथ ओवर्स में यहाँ पर आकाश छेत्री और राजमोहन शर्मा डेथ ओवर्स में, इसके अलावा बेंच में से कोई खेलेगा। तो इनके रेकॉर्ड स्टार्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर दिए जाएंगे, टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसी लिंक से ज्वाइन करना। आगे यहाँ पर सीसीसी की बात करते हैं, 9 में से 5 मुकाबले जीते हैं, 4 हारे हैं। ओपनिंग में अंशुमन कटोनी और समीर सिन्हा ने ओपनिंग करवाया था। समीर सिन्हा जो कि अभी के लिए रिस्की रहेंगे, अंशुमन कटोनी को विकेट कीपिंग सेक्शन से ले सकते हैं, जिनको हमने लास्ट मैच के अंदर नहीं लिया था और हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहा था। रामचारी खेले थे लास्ट मैच के दौरान टॉप में, इनका कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, इनको भी अभी के लिए सजेस्ट नहीं करता। बाकी वेदांत पांडे के इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे, लेकिन ये रेगुलर ओवर्स नहीं करवा रहे हैं। इसके साथ तजिंदर सिंह यहाँ पर रेगुलर ओवर्स नहीं करवा रहे, लेकिन इन्होंने पिछले दोनों मैच के अंदर ओवर्स करवाया, जहाँ पर लास्ट मैच के दौरान बैटिंग से इन्होंने 38 किए थे और इसके पहले वाली मैच के दौरान इन्होंने 2 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई थी जहाँ पर 1 विकेट निकाली थी। इसके साथ यहाँ पर भुजेल ने ओवर्स करवाई, अभी ओवर्स करवाए तो विकेट निकाला, लेकिन ये भी कंसिस्टेंट ओवर्स नहीं करवा रहे, तो इनको लेके जाना रिस्की रहेगा। संजय सिंह जो कि यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो इन्होंने ओपनिंग भी करवाई, वन डाउन में भी आए, 4th नंबर पर भी खेले, तो इनका बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो हर मैच के दौरान ये अलग अलग नंबर पर बैटिंग करवाते हैं, हालांकि ओपनिंग भी करवा चुके हैं। रोमारियो शर्मा जब शुरुआत यहाँ पर देखो ओवर्स करवाई, विकेट निकाली यहाँ पर बैटिंग से मौका मिला, 54 रन ठोक दिए, तो इनका भी कहना मुश्किल रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पर संजीव बर्मन जो कि कंसिस्टेंट लगभग हर मैच के दौरान ओपनिंग करवा रहे, लास्ट मैच के दौरान नीचे खेले, तो यहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें होती रहती है। इसके लिए मैंने आपको अवेयरनेस दी है, पहली मतलब शुरुआत में अवेयरनेस दी आपको कि यहाँ पर अगर आप लोग खेलते हो तो मिनी ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग को टारगेट करिएगा। स्मॉल लीग आप लोग रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ये अपने रिस्क के ऊपर खेलिएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्लेयर के बारे में कुछ भी कहना लिटरली बहुत ज़्यादा रिस्की है, फिर आप लोग कॉमेंट सेक्शन मेरा ही भर दोगे। तो इसके लिए मैं आपको पहले अवेयर कर रहा हूँ कि आप लोग खेलना चाहते हो तो मिनी ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग खेलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है इसमें। पंकज राय ओके रहेंगे, क्योंकि इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए लास्ट मैच के दौरान हमने वाइस कैप्टनशिप दी थी जहाँ पर ओवर्स नहीं करवाई, हमारा मुँह हो गया। गोपाल कृष्ण ओवरऑल कंसिस्टेंट है, चाहो तो रिस्क ले सकते हैं। खडल लास्ट मैच के दौरान हमारे लिए इंपैक्ट प्लेयर रहे, यहाँ पर 3 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई, 5 विकेट निकाला। स्टार्टिंग में पर तजिंदर खडल, डेथ ओवर्स में पर भुजेल खडल और बाकी बेंच में से कोई खेलेगा, तो इनके रेकॉर्ड स्टार्ट आपको मिलेंगे टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से ही टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना रहेगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मतलब अभी के लिए देख लेते हैं हमारी डेमो फैंटेसी टीम क्या हो सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ पर वसीकुर रहमान को ले रहे हो, यहाँ पर आप लोग अंशुमन कटोनी को भी ले सकते हैं। बैटिंग सेक्शन से यहाँ पर एस सिंह और वेदांत पांडे को लिए, यहाँ पर आप लोग रोशन बसपोर को ले सकते हैं, यहाँ पर देवजीत बरुआ को ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ऑलराउंडर सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर संजीव बर्मन, रोमारियो शर्मा, पंकज राय, अमित सिन्हा और तजिंदर सिंह हमारी टीम के अंदर रहेंगे। और बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर आपको अभिलाष गोगोई दिखेंगे, यहाँ पर अमन छेत्री और गोपाल कृष्ण घोष दिखेंगे, यहाँ पर आप लोग पंकज कडल को ले सकते हैं। इसके अलावा रिस्क लेना किसी के ऊपर यहाँ पर रिस्की रहेगा। टीम की बात करते हैं, कप्तान संजीव बर्मन, वाइस कैप्टन तजिंदर सिंह को किया हुआ है। इसके अलावा चॉइसेस की बात की जाए तो यहाँ पर एक रिस्क पंकज राय के ऊपर देख सकते हैं, लास्ट मैच में हमने इनके ऊपर रिस्क लिया था जहाँ पर इन्होंने ओवर्स ही नहीं करवाए, इसके पहले यहाँ पर 2-3 विकेट रेगुलर निकाल रहे हैं, तो मतलब हमारी लेने के लिए तैयार है। इसके अलावा चॉइसेस मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह दिए हुए, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। बाकी देखो ये जो टीम है ये डेमो टीम है, फाइनल आपको टेलीग्राम में मिलने वाली है, टेलीग्राम से जुड़िएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों से जुड़ सकते हो, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से ही टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है,
कमेंट करना है और साथ में यहाँ पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिले और इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जल्दी से जल्दी मिल जाए। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छे से अपने खुद की एक टीम बनाओ और अच्छी खासी विनिंग करते रहो। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।